हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको 1.5 मीटर कपड़े में से प्लाजो बनाना बताऊंगा, जिससे कि आगे पीछे कपड़ा ना हो। इस तरीके से कपड़ा सेट करें। इसके बाद कपड़े को इस तरीके से फिर से फोल्ड कर दें। प्लाजो की लंबाई है 38, कमर है 40। प्लाजो के अंदर हमेशा 3 नाप चलते हैं, एक कमर, एक लंबाई और एक मोहरी। और इसकी मोहरी है 20 इंच की, 20 इंच की। तो हम इसको सबसे पहले हम लंबाई का नाप लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबाई का नाप लगाएंगे। लंबाई का नाप लेने के लिए उससे पहले हम क्या करेंगे, 2 इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पर। ये हमारा कपड़े फोल्ड होगा, ये 2 इंच जब हम सिलाई करेंगे तो मोहरी के लिए हमने 2 इंच का एक छोड़ दिया एक्स्ट्रा। अब इसके बाद हम 38 इंच नापेंगे, 38। ये पूरा ही कपड़ा 38 का है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमारी कमर कितनी है, 40। अब 40 का हमें चौथाई भाग निकालना है। अगर आप चौथाई भाग निकाल सकते हो ऐसी, तो चौथाई भाग हुआ 10 इंच। अगर आप चौथाई भाग नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि बीच के नंबर्स होते हैं, जैसे कि 48, 34, 25, तो इस तरीके से निकालने में मुश्किल हो जाता है बहुत से लोगों के लिए। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि आप इस तरीके से आप कर सकते हो। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट लेना है, हमारी 40 की कमर है हमारी, तो 40 के ऊपर रखना है इसको। ये हमारा निकल के आ गया है इस तरीके से, हमारा हाफ हाफ भाग यानी कि 50% निकल के आ गया है। अब हमें क्या निकलना है, सेकंड भाग ये निकल के आ चुका है, तो हमें इसका चौथा भाग निकालना है। फिर से यही प्रोसीजर अपनाना है, इस पॉइंट को लेना है और 20 के ऊपर रख देना है। ये देखिए हमारा ये निकल के आ गया हमारा चौथाई भाग। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, चौथाई भाग लगाएंगे। तो ए लाइन जो प्लाजो बनाते हैं वो थोड़ा सा ढीला होता है, तो उसमें हम 2 इंच का मार्जिन देंगे, ठीक है। तो यानी कि 12 इंच का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास स्पेस कम है तो कपड़ों को इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 12 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे, सॉरी 12 इंच का नहीं, 12 इंच का मैं बता दे, 10 इंच का मार्जिन था हमारा, सॉरी 10 इंच का मैं कमर थी, सॉरी 40 इंच की कमर थी, 40 का चौथाई भाग निकाला 10 इंच, 10 इंच हमने ये लगा दिया है। इसके बाद हम 1 इंच का मार्जिन देंगे ये। अब जितने का हमने ये चौड़ाई ली है आसन में, हम उतने का ही लेंगे, यानी कि 11 इंच का हमने ऐसे किया तो 11 इंच का ही हम ऐसे करेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया है। अच्छा, अगर आप जैसे कोई ज्यादा ही हेल्थी इंसान है तो आप 2 इंच का मार्जिन यहाँ दे सकते हो। जो 10 इंच नहीं है वहां पे 2 इंच मार्जिन ले सकते हो, 12 इंच कर सकते हो, बट मैं ज्यादा हेल्थी का नहीं बना रही, तो मैं 1 इंच ही फालतू लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आई है बारी इसकी थाई की। तो थाई का हमारा क्या होता है कि आपका जो भी यहाँ पे लिया है उससे 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर लीजिए। अगर हेल्दी है तो सेम टू सेम ये 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, अगर हेल्दी नहीं है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हम यहाँ से 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारा जिसके नाप का हम बना रहे हैं वो ज्यादा हेल्दी नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से हल्की सी गोलाई देंगे, 1/2 इंच बराबर की गोलाई देंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ कितना लिया था, 13 इंच का। तो हम क्या करेंगे, ये जो मोहरी हमने ली है, ये मोहरी ली है, यहाँ पे हम 13 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए हमने 13 इंच का निशान लगा लिया है। 13 इंच लगाने के बाद हमारा ये नी होता है, जो नी होता है 20 से 22 तक, ठीक है। तो हम सबसे पहले नी का निशान लगाएंगे, जहां से ये जो हमने निशान लगाया था यहाँ ऊपर से कमर से 20 इंच का निशान लगाएंगे। ये
20 इंच पे लाद कर हम 1 इंच कम कर देंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे हमने 13 लिया था, तो यहाँ हम लेंगे 12 इंच का, ये 12 इंच का हमने यहाँ से ले लिया है। अब इस तरीके से निशान लगाना है, ये लीजिए हमारा प्लाजो का नाप लग के तैयार है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ये हमारा प्लाजो कट हो चुका है। इसके हम दोनों पल्लों को अलग अलग करेंगे इस तरीके से, देखिए। अब इन पल्लों को सबसे पहले इस तरीके से जॉइंट करना है, अलग अलग करके इस तरीके से, पहले ये वाला जॉइंट करेंगे और फिर ये ऊपर वाला जॉइंट करेंगे। देखिए हमने यहां से और दूसरी साइड से इस तरफ से भी हमने सिलाई कर ली है। अब इसको ऊपर की तरफ यहाँ कमर है वहां से खोलेंगे और सिलाई के ऊपर, ये जैसे ये सिलाई है तो ये इसके ऊपर इस सिलाई के ऊपर सिलाई रखेंगे इस तरीके से। देखिए ये हमारे हो गए दो पल्ले अलग अलग इस तरीके से। अब इसके बाद ये दो हमारे दोनों पैरों की मोहरी है, इसको हम मोहरियों को सिलाई करेंगे। अगर आप मोहरी बना के करोगे तो अगर बाई चांस मान के चलिए हमें सिलाई कम करनी है, यानी कि मोहरी कम करनी है, तो हमें मोहरी खोलनी पड़ेगी। और अगर पहले मोहरी बनाओ फिर फिटिंग करोगे तो फिर आप बिना मोहरी खोले हुए आप छोटा बड़ा मोहरी कर सकते हो, तो बट हम लोग इसको मोहरी बनाकर ही फिटिंग करेंगे, यानी मोहरी सॉरी इसके फिटिंग करने के बाद ही मोहरी बनाएंगे। यानी कि सबसे पहले अब हम यहां से इस तरीके से यहाँ गोलाई में ऐसे सिलाई लगाएंगे और इसके बाद ये वाली और ये वाली मोहरी सिलेंगे। पहले सबसे पहले हम यहाँ पे गोलाई में सिलाई करेंगे। अब ये हमारी सिलाई आ गई है आसन के ऊपर, आसन ये देखिए ये है आसन और ये आसन के नीचे वाला हिस्सा। अब ये एक जॉइंट ये है और एक जॉइंट ये है नीचे वाला है, देखिए ठीक है। हमेशा एक बात को याद रखिए, इस जॉइंट से और आप ये वाला जो जॉइंट दिख रहा है देखिए ये जॉइंट को मिलाओगे तो जब भी आप इसको यूज करोगे तो जल्दी से पजामा या पजामी या पैंट या कुछ भी होता है ठीक है ये जल्दी फटता है। आप कभी भी सिलाई के ऊपर या मतलब कि ये जॉइंट के ऊपर ये जॉइंट ना रखिए, हल्का सा इतना सा या आधा इंची इन दोनों पल्लों को यानी कि इस वाली सिलाई को और इस वाली सिलाई को अलग अलग रखिए, जिस तरीके से मैं रख रही हूँ। देखिए मेरा एक सिलाई ये है ठीक है, एक जॉइंट ये है और एक जॉइंट ये है, कितना आगे पीछे का अंतर है। आप भी इसी तरीके से अगर सिलाई करोगे तो आपका पजामा पैंट या निक्कर जो भी कुछ आप बनाते हो वो आपका कभी फटेगा नहीं। अब जॉइंट के अगर आप जॉइंट के ऊपर जॉइंट रखोगे तो अधिकतर चांस है कि फटने के। दोनों मोहरी हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब बारी आती है प्लाजो के अंदर बेल्ट लगाने की। मान के क्या चलिए कि हमारी बेल्ट की हमारी कमर की चौड़ाई थी 40 इंच की यानी 14
40 इंच में हम 5 इंच कम करेंगे तो 40 इंच में 5 इंच कम करेंगे तो होगा कितना होगा 35 का हम हाफ करेंगे, ये हमने हाफ किया यानी 17.5, यानी कि हमारी बेल्ट की चौड़ाई होगी 17.5। इस तरीके से हम बेल्ट का मेजर निकालते हैं, तो हम बेल्ट को निकाल लेंगे 17.5 की, ठीक है 17.5 निकाल लिया। आधा इंच हम एक्स्ट्रा निकालेंगे क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो उसमें सिलाई में दब जाएगा थोड़ा थोड़ा, इसलिए हम 18 इंच की बेल्ट काटेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा क्योंकि मार्जिन के लिए। अब इसको हम कपड़ा अब तीन और इसके साथ साथ हम 3 इंच का इसी के बराबर 18 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा एक पट्टी काटेंगे। ये है हमारी प्लाजो की कमर है। अब प्लाजो की कमर को इस तरीके से सिलाई के ऊपर सिलाई रख लिए, देखिए सिलाई के ऊपर सिलाई रखी हुई है। इसके बाद हम यहाँ से एक छोटा सा कट लगाएंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे जिससे कि हमें आइडिया हो जाए। ये हमारा आगे पीछे का हिस्सा है। अब इसके बाद एक पॉइंट ये वाले ज्वाइंट लेंगे, इस ज्वाइंट को जो ये कटिंग है इस कटिंग से मिलाएंगे इस तरीके से, और आधी इंच चौड़ी एक प्लेट डालेंगे, करीबन ये आधी इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी प्लेट डाली हुई है ये, देखिए। इसी तरीके से हम दूसरा भी हिस्सा ऐसे ही कर लेंगे, इसके ये जो प्लेट डाली है इसके ठीक बगल वाला, देखिए ये हमने लगा लिया है इस तरीके से, सॉरी पट्टी डाल ली है। अब ये जॉइंट है ये वाला और एक ये वाला, यहाँ तक हम पहले आगे की बकरम पट्टी लगाई थी, हल्का 1 इंच बाहर निकालते हुए। पट्टी हमेशा याद रखिएगा सीधे की तरफ से लगाइएगा जिससे कि फुल फिनिशिंग आए। ये हमने पट्टी लगा ली है। अब इसके बाद ये जो कट था ये इसके ऊपर यहां पर इस तरीके से बकरम रखनी है, इस तरीके से फोल्ड करनी है और इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। देखिए हमने मोहरी लगा ली है, सॉरी बकरम लगा ली है। अब इसके बाद हम लास्टिक इसी तरीके से जॉइंट करेंगे, यहाँ पे लास्टिक पट्टी, ये हमने लास्टिक के लिए पट्टी लगा ली है। पट्टी हमने लगाई 1 इंच इस तरफ से ज्यादा करी है, 1 इंच जहां से शुरू करी थी हमने जोड़ना वहां से ज्यादा करी है। अब इसके बाद हम लास्टिक को सबसे पहले जॉइंट करेंगे, यहाँ पर इस जगह सबसे पहले हम लास्टिक जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और लास्टिक को कवर करना है। ये लास्टिक हमने ज्वाइंट कर ली है, इसके बाद इसको इस तरीके से कवर करके और जैसे नेफा बनाते हैं इस तरीके से नेफा टाइप का बनाते जाना है और लास्टिक को अंदर करते जाना है इस तरीके से। देखिए ये हमने लास्टिक तो लगा दिए पर एक तरफ से ये हमने खुली छोड़ दी है लास्टिक, ये यहाँ से हमने लास्टिक लगाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोबारा से जहां से हमने चालू करी थी वहीं पर आएंगे, लास्टिक ये एकदम बीच में आएंगे
इलास्टिक को खींचते जाएंगे और इलास्टिक को लगाते जाएंगे इस तरीके से, जिससे कि आइडिया हो जाए कितना हमें यूज करना है इलास्टिक को। इसी तरीके से हम पूरी इलास्टिक लगा लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।